गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को अब फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बांदा जेल अधीक्षक ने मामले में बांदा कोतवाली में एक केस भी दर्ज कराया है। इसके बाद उस फोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा है। आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी की दिल की धड़कन रुकने से 28 मार्च को मौत हो गई थी और इसी के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने बांदा जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी। तो बड़ी खबर, अब बांदा जेल अधीक्षक को फोन पर धमकी दी गई है। बांदा जेल में बंद रहे पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद बांदा जेल के जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली है। बीते 28 मार्च को जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद उसी रात बांदा जेल के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के पास लैंडलाइन नंबर से एक अज्ञात कॉलर का फोन आता है, जिसमें उसे ठोक देने की धमकी देता है। 14 सेकंड के इस काल में जेल अधीक्षक को ठोक देने और उसके साथ अभद्रता पूर्वक बात की है, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पीड़ित जेल अधीक्षक ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बांदा कोतवाली में अज्ञात कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिसके बाद पुलिस की कई टीम उस कॉलर आईडी का सर्च करने पर जुटी हुई है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, अभी तक उस नंबर को पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है, जिससे इस घटना के बाद जो जेल के अधिकारी हैं वह डरे सहमे हुए हैं और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। बांदा से अखिलेश सोनकर, न्यूज 18। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत जारी है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर से मौत पर सवाल खड़े किए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने इस बार मुख्तार की मौत को वेल प्लान्ड मर्डर बता दिया है। इसके साथ ही यह भी दावा किया है कि अगर मुख्तार की मौत जहर देने से हुई है तो इसकी जाँच 20 साल बाद भी करा सकते हैं। किसी को कार्डिया अरेस्ट होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, तो क्या ये सारी परिस्थितियाँ नहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये सारी परिस्थितियाँ अगर हैं तो जेल का डॉक्टर कैसे लिखता है कि ये फिट है? तो डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले LIU के लोग हैं और STF के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से उनका मर्डर, तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है, कहानी तो गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर अपने छोटे भाई और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारे जाने का आरोप लगाया। अप्रैल 2021 से मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद था, लेकिन 28 मार्च को हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। और उसके भाई अफजाल अंसारी ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि साजिश के तहत मुख्तार अंसारी की जहर देकर हत्या की गई। घर वालों के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने खुद उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि 19 मार्च को उन्हें खाने में जहर दिया गया था। उसी के बाद से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहली बार 25 मार्च को उसे अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। अफजाल अंसारी ने दावा किया कि जहर की वजह से 28 मार्च को उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई, इसीलिए मुख्तार के शव को कब्र में इस तरह दफनाया गया ताकि 10 साल बाद भी उसकी मौत की जांच आसानी से की जा सके। अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। मुख्तार की मौत के बाद 29 मार्च को 5 डॉक्टरों की एक टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत हुई। बताया गया कि डॉक्टरों की टीम को उसके दिल में खून का थक्का जमने के संकेत मिले और उसी वजह से उसे हार्ट अटैक आने का दावा किया गया, लेकिन अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया और उसी से उसकी मौत हुई।
गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। गाजीपुर में उन्होंने मुख्तार अंसारी के घर पर उनके भाई अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की। इसके बाद धर्मेंद्र यादव कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचे और वहां पर उन्होंने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के कब्र पर फूल चढ़ाए, श्रद्धांजलि दी। परिवार से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र यादव ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़े करते हुए उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। अब्बास अंसारी से मिलने आज कासगंज पहुंच सकता है मुख्तार अंसारी का परिवार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्तार की मौत के बाद पहली बार परिवार अब्बास अंसारी से मिलने पहुंच सकता है। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में भी अब्बास अंसारी शामिल नहीं हो पाया था। अब्बास अंसारी पिछले एक साल से कासगंज जेल में बंद है। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अब्बास अंसारी की विदायकी को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा अब्बास अंसारी SBSP के विधायक नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक है। साथ ही यह भी कह दिया कि विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी को टिकट देने में अखिलेश यादव ने उनके साथ धोखा किया। अगर वो सवाल आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने तीन सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और जगह। शेष उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। और अखिलेश यादव जिनकी बात करते हो, पुलिस की भर्ती होगी तो मजबूत यादव को करेंगे, वोट लेंगे मुसलमान का, यही करते हैं। मुसलमानों के विकास के लिए एक योजना बता दो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला हो। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में BJP के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर और राजस्थान के कोटपुतली पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर रैली होगी। और इसके साथ ही आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार BJP के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। तो अहम खबर, राजस्थान के कोटपुतली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है रैली। शाम 6 बजे इसके बाद बिहार के BJP कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करने वाले। तो उत्तराखंड और राजस्थान दोनों जगह एक साथ प्रधानमंत्री आज लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करने वाले। तो बड़ी खबर, एक तरफ तो उत्तराखंड और राजस्थान खुद पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पहुंचकर वो प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बिहार के BJP कार्यकर्ता हैं, उन्हें जीत का मंत्र वो देने वाले हैं। किस तरह से जनता के बीच जाना है ये तमाम